ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकतर कर्मियों के 2 माह के वेतन मद की राशि पेंशनधारियों के जून जुलाई माह की राशि भुगतान हेतु वेतन विपत्र विश्वविद्यालय द्वारा दरभंगा कोषागार को आज भेज दिया गया। ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार द्वारा 2 माह के वेतन एवं पेंशन की राशि आज ही 12 बजे दिन में प्राप्त होने के उपरांत विश्वविद्यालय ने सारी विधिवत प्रक्रिया त्वरित गति से पूर्ण करते हुए अपराह 3 बजे भुगतान हेतु वेतन विवरणी दरभंगा कोषागार को उपलब्ध करा दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार से प्राप्त राशि के दिन ही विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान हेतु दरभंगा कोषागार को भेजा जाना विश्वविद्यालय की बदलती कार्य संस्कृति का परिणाम है। उन्होंने कार्यरत शिक्षक कर्मियों एवं पेंशनधारियों को बधाई देते हुए विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा उनके सहयोगियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि कुलपति महोदय के निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिसका परिणाम सामने आ रहा है। भविष्य में होने वाले अनेक कार्यों में भी सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने विश्वविद्यालय के दक्ष पदाधिकारियों एवं कर्मठ सहयोगियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इसका लाभ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं तथा शिक्षक शिक्षकतर कर्मियों के साथ ही पेंशनधारियों को भी मिल रहा है। कुलसचिव ने वित्त पदाधिकारी कैलाश राम, सहायक वित्त पदाधिकारी डॉक्टर श्री मोहन झा, पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर सुरेश पासवान एवं वित्त शाखा व पेंशन शाखा के कर्मियों की टीम के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। राज्य सरकार के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षकतर कर्मी एवं पेंशनधारियों का 2 माह अर्थात जून एवं जुलाई 2022 की राशि आज विश्वविद्यालय के पीएल खाता में दिन के 12 बजे स्थानांतरित हुई है और 3 बजे सभी राशि सभी लाभार्थियों अर्थात पेंशनधारियों शिक्षक शिक्षकतर कर्मियों को स्थानांतरण करने के लिए दरभंगा कोषागार को पत्र विपत्र भेज दिया गया है, जो एडवाइस कहते हैं भेज दिया गया है। अब वहाँ की जो प्रक्रिया है उससे हो जाएगा। यह परिणाम है हमारे विश्वविद्यालय के बदलते काज संस्कृति का। माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की चिंता रहती है कि पेंशनधारी शिक्षक शिक्षकतर कर्मी और छात्रों के हित को सर्वोपरि माना जाए और यही उनके नेतृत्व कार्य कुशलता और उनके जो स्वभाव है उनका उनके जो विचार है सार्थक, उसका परिणाम है कि आप विगत कई महीनों से आज राशि मिलती है और 3 घंटा में हम राशि हस्तांतरण कर देते हैं। ये राज्य का यह था पहला विश्वविद्यालय है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे जो सहयोगी हैं उनका है, उन्हीं की बदौलत हम ये कार्य कर पाते हैं। इसलिए FO सेक्शन यानी हमारे जो वित्त पदाधिकारी हैं जो उनके सहयोगी हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो तत्परता से ये कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण पैसा आते ही हम उसे ट्रेजरी में भेज देते हैं। अब वहाँ जो प्रक्रिया है उसमें घंटा 2 घंटा 1-2 दिन लगता है, उनके खाते में राशि स्थानांतरित हो